एवरीवन, तो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जिसे आप लोग इग्नोर कर रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई चीज़ गैस पर बॉईल करने के लिए रखते हैं और वो ओवर बॉईल होकर गिर जाती है जब हमारा ध्यान नहीं होता। तो अगर आप उस पर वुडन स्पून रख लोगे तो भैया वो चीज़ गिरने से बच सकती है। जी हाँ, बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने ट्राई किया है ये। दूसरी चीज़ है जूस बॉक्स। जी हाँ, ये कोई साधारण सी दिखने वाली जूस बॉक्स नहीं है, इसके दो हैंडल भी है भैया। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगे और पकड़ने में तकलीफ़ हो तो ये हैंडल खोल लो। जो हमें तो किसी ने बताया नहीं बचपन में, हमारा तो भैया बचपना ही वेस्ट हो गया, लेकिन आपको पता चल गया है तो आप लोग ट्राई ज़रूर करें। एंड थर्ड वन इज़ पीनट बटर। वाइल स्टोरेज हम लोग अक्सर जो जार होता है वो सीधा रखते, बट मैं कहूँगी कि सीधा मत रखो भैया, उल्टा रखो, ताकि जब आपको पीनट बटर सर्व करना हो तो आपको फर्स्ट स्कूप में ही मिल जाए इजीली। और ये ट्रिक आपको जब ख़त्म होने वाला होगा पीनट बटर तब ज़्यादा काम आएगा। यूजुअली व्हेन यू पील ऑफ गार्लिक स्किन योर हैंड स्टार्ट्स स्टिंकिंग। सो देसी भाषा में बोलूँ तो हाथ में बांस आने लगती है। तो उसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा कॉलगेट लगा लो हाथ में, फिर आपके फेवरेट हैंड वॉश से हाथ धो लो। दूसरा तरीका है स्टेनलेस स्टील, कोई भी स्टील का बर्तन या तो आपका जो बेसिन है उसका वो भी स्टील का बना होता है तो उस पर हाथ घिस दो भैया, बांस चला जाएगा आपका। स्नीजिंग और कफिंग, अक्सर आप छींकते या खांसते वक्त अपना हाथ यूज़ करते हो, बट डोंट यूज़ योर हैंड्स बिकॉज हाथों में बैक्टीरिया ज़्यादा देर तक रहती है और फिर आप यहाँ वहाँ छूओगे तो बैक्टीरिया फैलेगा ना। तो रेदर देन दैट यूज़ योर एल्बोज, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आता। जूसर ब्लेंडर, मेरे साथ तो अक्सर हुआ है कि जूसर यूज़ करने के बाद उसे धो कैसे समझ नहीं आता, बिकॉज हाथ डालेंगे तो खतरा होता है कटने का। तो ईजी सोल्यूशन है, आप थोड़ा सा पानी डाल दो और उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दो और उसे 2 या 3 बार ब्लेंड कर दो, एंड दैट्स इट। सी, कोमिंग हेयर इज पार्ट ऑफ अवर डेली स्केड्यूल, बट कोई आपको कहे दैट यू वर कोमिंग रॉन्ग? येस, वाइल लिविंग द नॉट्स ऑफ योर हेयर, अगर आप टॉप टू बॉटम कोम कर रहे थे यानी गूंच निकालते वक्त अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे थे तो वो गलत था, आपको नीचे से ऊपर जाना चाहिए। उससे होगा ये कि पेन भी कम होगा और हेयर फॉल भी। सैंडविच किसे नहीं पसंद है, मुझे तो स्पेशली टोस्टेड सैंडविच पसंद है, बट कभी कभी ओवर टोस्ट होने की वजह से जल भी जाता है, तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। अगर आप बटर पेपर से आपके सैंडविच को रैप करके फिर टोस्ट करोगे तो आई अश्योर यू कि वो कभी नहीं जलेगा। ग्लव्स इंसान कई रीजन से पहनता है, कभी ठंड के वजह से, कभी सेफ्टी रीजंस के वजह से, लेकिन इतिहास गवाह है कि फ़ोन का टच काम ही नहीं करता, बट उसका भी सलूशन है। अब फॉइल पेपर अपने उंगलियों पर रैप करो और फिर यूज़ करके देखो। फ्राइज़ तो हर किसी ने खाई होगी और फ्राइज़ के साथ सॉस तो ज़रूरी है भैया, लेकिन उसके लिए तो मुझे ट्रे लगता था, बट अब से नहीं लगेगा क्योंकि ये ट्रिक मुझे पता चल गई है। फ्राइज़ का जो बैक साइड है उसे आप सॉस रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ हमारी 10 चीज़ें खत्म होती है। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक यू।